हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से फल खाएं, यानी कि डिलीवरी के बाद कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फल खाने से पहले और बाद में ध्यान रखनी चाहिए, और क्या क्या मिथ इनके साथ एसोसिएटेड है, वो ही हम आज पूरा आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मिथ है कि खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, खट्टे फल ही खाने चाहिए, यानी कि यदि आप खट्टे फल नहीं खाती है तो आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा। और विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपके टिश्यू हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके घाव भरने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन सी। इसीलिए आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि किसी भी ऑपरेशन के बाद या किसी भी प्रकार के टिश्यू डैमेज के बाद, चोट लगने के बाद आपको या तो हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था या फिर आपको मौसमी का जूस पिलाया जाता था। तो मौसमी का जूस इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है। लेकिन हम यदि यंग हैं, हमारे दांत वगैरह सब अच्छे हैं और हम फ्रूट्स खा सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि हमें जूस नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जब भी हम जूस निकालते हैं तो उसका फाइबर ख़त्म हो जाता है और जूस निकालने से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो प्रेफरेबली हमें फल को पूरा खाना चाहिए, जूस नहीं निकालना चाहिए। दूसरा, हमें काफ़ी सारे खट्टे फल खाने चाहिए क्योंकि हमें विटामिन सी मिलता है। उसके लिए आप संतरा खा सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, विटामिन सी के लिए आप आंवला बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको संतरे के अंदर विटामिन सी मिल जाएगा ये आपको, और एक अमरूद होता है, अमरूद के अंदर भी अच्छा विटामिन सी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से खा सकती हैं। दूसरा एक मिथ होता है कि हम महंगे फल खाएं, सस्ते फल ना खाएं, क्योंकि सस्ते फल में गुण शायद कम होते हैं, बट ये बहुत बड़ा मिथ है। महंगा फल वो आता है कि जो सीज़न का नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन है या हमारा जो ओपिनियन है वो ये कहता है कि आपको सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, यानी कि गर्मी के टाइम पे गर्मी के फल खाने चाहिए, सर्दी के टाइम पे जो सर्दी के सीज़न में फल आ रहे हैं वो खाने चाहिए। यानी कि यदि आपको गर्मी में एप्पल नहीं खाएं तो अच्छा है, गर्मी में आप गर्मी के फ्रूट्स खाइए। गर्मी में आपको मेलन मिलेगा, वाटर मेलन मिलेगा, मैंगो मिलेगा, तो ये बहुत अच्छे फल हैं जिनमें बहुत सारा विटामिन है, मिनरल है, विटामिन के है, पोषण है, और साथ ही साथ इनके अंदर काफ़ी सारा पानी होता है। यानी कि अगर आप मेलन को देखेंगे, वाटर मेलन को देखेंगे, तो 70-80% पानी होता है, जो गर्मी के टाइम पे हमारे पानी की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करता है और हमारे डिहाइड्रेशन को भी दूर करता है। इसके साथ साथ यदि मैंगो खाती हैं तो मैंगो में एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, और साथ साथ विटामिन ए विटामिन बी भी मिल जाता है, जिससे कि हमारी रिकवरी फास्ट होती है। इसके अलावा अनानास आता है, पका हुआ पपीता आता है, ये सारी चीज़ें भी आप आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बेरीज आती है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, आलू बुखारा है, और भी कई सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं जो केवल गर्मी के टाइम पे आते हैं। तो उनको यदि गर्मी में आपके डिलीवरी हुई है तो डेफिनेटली, यानी कि मई जून के सीज़न में, आप इनको एंजॉय कीजिए और थोरली एंजॉय कीजिए। और इसके अलावा यदि सर्दी में डिलीवरी हुई तो आप एप्पल पे फोकस कर सकती हैं। एप्पल के अलावा उस टाइम पे आपको संतरा मिलता है, और भी कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो ग्रेप्स आते हैं जो सर्दी के टाइम पे ही आते हैं, तो आप उनको उस टाइम एंजॉय कर सकती हैं। खट्टा फल खा सकती हैं, मीठा फल खा सकती हैं, पानी वाला, बिना पानी वाला सारे खा सकती हैं। ये जो गीले फल आते हैं जो कि सीजनल हैं वो तो खाने ही खाने, साथ में आपको फ्रूट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने होते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में आप काजू है, बादाम है, किशमिश है, और इसके अलावा खुबानी है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं। तो सारे तरीके के ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, क्योंकि सब ड्राई फ्रूट्स में कुछ ना कुछ अलग मिनरल और विटामिन होता है जो कि हमें बॉडी के लिए चाहिए होता है। इसलिए जनरली हम जो रिकमेंड करते हैं कि आप मिक्स बाउल बनाइए कि 4 बादाम ले लिए, 4 काजू ले लिए, 4 किशमिश ले लिए, या फिर आप रोटेशन से खाइए कि आज बादाम खाएं तो कल काजू ले लीजिए, परसों किशमिश ले लीजिए। डेट्स आप ले सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स आते हैं जिससे कि आपको एनर्जी प्रॉपर मिलती रहे। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के अलावा होता है एक सीड का सेक्शन, जिसमें पम्पकिन सीड आते हैं, खरबूजे के बीज भी आते हैं, और बहुत सारे और भी कई तरीके के सीड्स आते हैं जिनमें से आप थोड़े थोड़े सीड्स आप काम में ले सकती हैं। और यदि आपको वेट लॉस की तरफ जाना है तो आप चिया सीड ऐड कर सकती हैं, थोड़ा सा पिंच ऑफ या आधी चम्मच आप यूज़ कर सकती हैं, जिससे कि आपको वेट लॉस या बॉडी शेपिंग में भी आपको मदद मिलेगी। तो फ्रूट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, ये तीनों चीज़ आप ले सकती हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है। तो जो नहीं खाना है, आपको कोल्ड स्टोरेज के फल नहीं खाने हैं। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज के अलावा फ्रिज में रखे हुए फल नहीं खाने हैं, यानी जब भी आप फ्रिज में रखे हैं फल उनको बाहर निकालिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर कीजिए, साफ़ करके फिर खाइए। बिना धुले हुए फल नहीं खाने। इसके अलावा कच्चे फल नहीं खाने, यानी जैसे कच्चा पपीता है, कच्चा आम है, कच्चा आम पर भी आप थोड़ा खा सकते हैं, क्योंकि कच्चा आम इज़ अ कैरी,
लेकिन कच्चा अनानास आपको नहीं खाना चाहिए और इसके अलावा कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए। बाकी पकी हुई सारी चीज़ें खा सकते हैं। फल खाने की पहली प्रायोरिटी यही कि सीजनल फल होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, साफ़ सुथरा फल होना चाहिए उनको। और बहुत ज़्यादा फल एक साथ नहीं खाने चाहिए, एक कटोरी एक कप आप खा सकती हैं जिससे कि आपको अंदर का डाइजेशन आपका ख़राब नहीं हो और आपको फलों का जूस ना निकालते हुए पूरा फल खाने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको लगता है कि फलों से रिलेटेड आपके और कोई क्वेश्चन या जवाब कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।